स्वागत है दोस्तों आप सभी का ऑटो टक इंडिया ए टू जेड में। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इको पावर और इको प्लस स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स की क्वायरी होती है दोस्तों, उनको कंप्लेन होता है भैया इको स्विच कैसे यूज करें, सर पावर स्विच कैसे यूज करें, इको प्लस कैसे यूज करें, इनको कब कब यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसके दो कंडीशन हो सकते हैं दोस्तों, एक कंपनी का कंडीशन जो कंपनी बोलती है और एक हमारा एक्सपीरियंस जो कहता है, उसके हिसाब से हम दो कंडीशनों के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। तो ये होता है आपका इको प्लस स्विच, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इको प्लस लिखा हुआ है, यह है इको स्विच। और इन दोनों को ऑन, इन दोनों को अगर ऑफ कंडीशन में रखते हैं तो पावर कंडीशन में होता है। तो इको, इको प्लस और पावर, ये देख पा रहे होंगे आप इको, इको प्लस। और अगर तो अभी ये दोनों बंद कंडीशन पे है तो आपका पावर में है। अगर ये कोई इनमें से कोई सा भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपका वो उस पोजिशन में आ जाता है। जैसे कि हमने ये यूज़ कर लिया, ये रेड दिखाने लगा, मतलब इसको हम यूज़ कर रहे हैं अभी, तो ये इको में गाड़ी है। जैसे ही इको प्लस दबा दिया तो अब इको प्लस में आ गई। अगर इन दोनों को हम बंद कर देते हैं तो ये अभी गाड़ी पावर में है। तो चलिए हम इस पर बात करते हैं कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी कंडीशन पे बात करते हैं। कंपनी कहती है कि अगर आपकी गाड़ी अनलोडेड है, बिल्कुल भी जीरो लोड है, तो आप इको प्लस पे चलेंगे, ठीक है। अगर गाड़ी पे जीरो लोड है, पे लोड आपकी जीरो है, तब आपको इको प्लस पे चलना है। अगर आपकी गाड़ी में 50% तक अगर पे लोड है तो आपको इको पे चलना है, और अगर फुल लोड कैपेसिटी पे है तब आपको ये दोनों बंद आपको पावर में चलना है। अब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है दोस्तों, हम इस बारे में आपको बताते हैं। एक्सपीरियंस कहता है कि ये रोड कंडीशन पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो रोड कंडीशन के हिसाब से भी आपको इनको यूज़ करना है। लोड कैपेसिटी प्लस रोड कंडीशन, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे गुड्ढी हिली रोड के लिए, रोड ख़राब हो, बहुत ज़्यादा घाट सेक्शन वाले रोड हो, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। अगर खाली गाड़ी है तब आपको इको पे चलना है, लोड गाड़ी है तब आपको पावर पे ही चलना है, चाहे लोड 50% हो या 100%, आपको पावर पे ही चलना है। ये आपको बताते हैं दोस्तों कि हम आपको बोल क्यों रहे हैं कि अगर आपको लोड कंडीशन अच्छी नहीं हो तो खाली गाड़ी में भी इको पे चलना है और 50% या 100% लोड पे भी पावर पे चलना है। तो रीज़न उसका अब आपको बताते हैं कि अगर आप खाली गाड़ी में इको प्लस दबा के चल रहे हैं और रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जितना ये डीजल बचाती है चल करके, उतना जिसे आप गियर डाउन करते हैं तो वापस से उतना पिकअप बनाने में उससे ज़्यादा वो डीजल कंजप्शन कर लेती है, ठीक है। जैसे कि आपके इको पे चल रहे हैं तो पावर कम गाड़ी बनाएगी, अब क्या है उसके लिए आपको गियर डाउन करना पड़ेगा, तो वापस से उतना स्पीड पकड़ने के लिए, उतना पावर आने के लिए गाड़ी उससे ज़्यादा डीजल कंजप्शन कर लेती है। इसलिए आपको रोड ख़राब रोड पे बिल्कुल भी इको प्लस यूज़ नहीं करना है, खाली गाड़ी में इको और फुल लोडेड गाड़ी में पावर में चलना है, या 50% रोड पे भी है तो भी पावर में चलना है। अब इको, इको प्लस और पावर आप पता कैसे चलेंगे कि हमारा कौन सा मतलब इंगेज है, मतलब कौन सा लगा, इको लगा है कि पावर लगा है या इको प्लस लगा है, कैसे पता करेंगे? तो ये आपका जब हमने स्विच को दबा दिया, इसमें जब इको प्लस पे रेड बत्ती जल रही है तो ये इको प्लस में है, ठीक है। जब इको में ये रेड बत्ती जल रही है तो ये इको में है, और अगर दोनों बत्ती बंद है तो ये पावर में है, और साथ ही साथ अगर ये दोनों बत्ती को आप ऑन कर देते हैं एक साथ तो भी ये गाड़ी पावर में हो जाती है। एक बार में एक ही स्विच यूज़ करना है दोस्तों, वरना अगर एक साथ अगर दो यूज़ कर लेंगे आप तो गाड़ी आपकी ऑलरेडी पावर में आ जाती है, ठीक है। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इको और इको प्लस स्विच यूज़ करना समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे, हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।